बच्चों सभी को गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार मेरा। और देखिए बच्चों, आपकी सेवा में, आपके शिक्षण कार्य के लिए मैं एक बार फिर हाजिर हो गया हूँ। और आप देख रहे हैं बच्चों, पिछली जो क्लास थी हमारी, उस क्लास में हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसका नाम क्या था, गुड मैनर्स। एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द लेसन गुड मैनर्स इन अवर लास्ट क्लास। पिछली क्लास में बच्चों ये पाठ हमारा पूरा हो गया था। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन। आज हम बच्चों आगे वाला पार्ट शुरू करेंगे। एज इट इज रिटन ऑन द बोर्ड, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, द नेम ऑफ द लेसन इज हेरिटेज ऑफ इंडिया। लेसन का नाम क्या है, भारत की विरासत। ठीक है बच्चों, क्या होती है विरासत? विरासत का मतलब होता है बच्चों, हमारे पूर्वजों से जो चीज हमको मिलती है हम उसको कहते हैं विरासत, हम उसको कहते हैं धरोहर। ये पूर्वजों से मिली हुई धरोहर है, हमारी अमानत है एक प्रकार से। ठीक है, तो जो पूर्वजों से हमको विरासत मिली है बच्चों, उसका हमें उपभोग करना चाहिए। हम उसका सिर्फ उपभोग कर सकते हैं, उसका कारण क्या है कि हम उसके रक्षक हैं, हम उसके रक्षक हैं और हम उसके पूरी तरह मालिक नहीं है, क्योंकि वह जो चीज है वह हमारे स्वयं के द्वारा अर्न की हुई नहीं है, वो हमारे पूर्वजों ने हमको दी है और ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। इट्स अवर मॉरल ड्यूटी, ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम इसको सुरक्षित रखें। वी शुड कीप इट प्रिजर्व्ड, हम इसको प्रिजर्व रखे हैं किसके लिए, फॉर द कमिंग जनरेशंस, फॉर अवर डिसेंडेंट्स। हमारे जो डिसेंडेंट्स हैं यानी जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके लिए हमें उस विरासत को सहेज करके रखना चाहिए। अब बात यह है कि बच्चों, भारत की विरासत में ऐसी क्या खास बात है, क्या खास बात है भारत की विरासत में, कि बच्चों ये एक ऐसी विरासत मानी गई है जैसे तूफानों के बीच में जलता हुआ दिया, जैसे तूफानों के बीच में जलता हुआ चिराग। इसीलिए तो बच्चों मोहम्मद इकबाल ने अपनी कविता में लिखा है कि यूनान मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दोरे जमा हमारा। तो बच्चों अपन अपना लेसन शुरू करते हैं। लेसन का नाम है राम मोहन रॉय। अब बच्चों आप जानते हो कि कर्ता ने होता है, तो इसका अनुवाद होगा राम मोहन राय ने। ने अंग्रेजी में नहीं होता, को अंग्रेजी में नहीं होता, ये हमको बाहर से लाना पड़ता है। जब आप कहते हो कि राम, तो इसका मतलब होगा राम ने। किल्ड यानी मारा, राम ने मारा। रावण, तो इसका मतलब होता रावण को, तो को अंग्रेजी में नहीं होता, कर्ता ने कर्म को। ये जो विभक्तियां हैं, ये जो परसर्ग हैं, ये अंग्रेजी में नहीं होते हैं। हम बच्चों अपने कॉमन सेंस से इनको बाहर से लाते हैं और वाक्यों का अनुवाद करते हैं। राम मोहन राय हेड साउंडेड। राम मोहन राय ने क्या किया था बच्चों, डंका बजाया था। साउंडेड का मतलब होता डंका बजाया था, ध्वनित किया था। क्या द थीम माने, इस मुद्दे को, कौन सा मुद्दा, भारत की विरासत का जो मुद्दा है, इस मुद्दे का डंका श्री राजा राम मोहन राय ने बजाया था। राजा राम मोहन राय को बच्चों हम आधुनिक भारत का पिता कहते हैं। वी कॉल हिम द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। बच्चों हम उनको जो है नव जागरण जो है, उस नव जागरण का अग्रदूत कहते हैं। वी कॉल हिम द फोर रनर, वी कॉल हिम द फोर रनर ऑफ न्यू अवेकनिंग। अर्थात ये जो न्यू अवेकनिंग है, जो नव जागरण है, उसका पैगाम लेकर के आए थे वो, उसका मैसेज लेकर के आए थे वो। आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजा राम मोहन राय वो थे जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। आपको जानकारी होनी चाहिए कि उनकी जो भाभी है, उनको उनकी आंखों के सामने सती होने के लिए बाध्य किया गया था। शी वॉज फोर्स्ड टू कमिट सती। अर्थात जो सती नाम की जो प्रथा है, इस प्रथा को का पालन करने के लिए उनको बाध्य किया गया था। और बालक राम मोहन राय जो है, उनके दिल के ऊपर ये एक बहुत बड़ा, इसका बहुत बड़ा गहरा आघात लगा था, इसका बहुत बड़ा सदमा लगा था। और जब वो छोटे थे तभी उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं बड़ा होकर के इस प्रथा को, इस कुरीति को, इस एविल को क्या करूंगा, इस देश से मैं बिल्कुल मिटा दूंगा। और इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि उन्होंने अपनी इस प्रतिज्ञा को निभाया। क्लियर हो गया है? तो राम मोहन राय हेड साउंडेड द थीम। राम मोहन राय ने इस डंके को बजाया था, इस डंके को नहीं, इस मुद्दे के डंके को। थीम यानी प्रकरण या मुद्दा होता है। तो राम मोहन राय ने इस मुद्दे के डंके को बजाया था विद इज पेशियोनेट एडवोकेसी। विद इज पेशियोनेट एडवोकेसी का मतलब होता है बच्चों, जरा लिखना आप एक बार, बताता हूं क्या होता है पेशियोनेट। ये शब्द है बच्चों पेशियोनेट। और अगर आपसे मैं बात करूं कि इसमें मूल शब्द क्या है, तो बच्चों इसमें मूल शब्द तो सिर्फ ये है, देखो यहां से लेके यहां तक, पेशन। ये पेशन का मतलब बच्चों फैशन नहीं होता है। फैशन तो बिगड़ी का नाम फैशन होता है,
लेकिन मैं उस पेशेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका मतलब तो प्रसरण होता है, मैं इस पेशेंट की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब होता है पेशन, पेशन का मतलब होता है जो नू ने। जब आपके ऊपर किसी बात का जनून सवार होता है, जब आप किसी चीज को दीवानों की तरह चाहने लगते हैं, उसको पेशन कहा जाता है। कोई प्रबल भावना, आप उसको अगर इसको हिंदी में बोलें तो बच्चों कह सकते हैं प्रबल, ये प्रबल भावना है। क्या बच्चों? ये प्रबल भावना है। अब बच्चों ये बन गया पेशियोनेट, ये बन गया एडजेक्टिव। क्या बन गया? ये एडजेक्टिव। तो इसका मीनिंग बच्चों आप दे सकते हो यहां पर स्ट्रांग, स्ट्रांग का मतलब प्रबल, स्ट्रांग का मतलब क्या होगा? प्रबल। और दूसरा शब्द बच्चों जरा देखना, एडवोकेशी। क्या लिखा हुआ है? तो बच्चों आप जानते हो मूल शब्द तो एडवोकेट, तो एडवोकेट जो है बच्चों इसका मतलब तो होता है वकील या पैरोकार, जो आपका पक्ष दूसरों के सामने रखता है उसे आप एडवोकेट कहते हैं। तो ये वकील हो गया, तो ये वकालत हो गया, या आप ये कह सकते हो कि समझ गए, या जो है ये एडवोकेसी है। और बच्चों इसका मतलब हो सकता है वकील वह होता है जो पेशे लेकर के आपका आपकी बात को जो है सामने रखता है, सपोर्ट करता है। तो राजा राम मोहन राय साउंडेड द थीम विद हिज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। राजा राम मोहन राय ने क्या किया बच्चों? राजा राम मोहन राय साउंडेड द आइडिया विद हिज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यानी राजा राम मोहन राय ने अपने मजबूत समर्थन के साथ क्या किया? इस मुद्दे का डंका बजाया, ऑफ सोशल रिफॉर्म माने समाज सुधार का। यानी राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार के इस मुद्दे का अपने मजबूत समर्थन के साथ डंका बजाया था। विवेकानंदा रिपीटेड इट, विवेकानंद ने इसको दोहराया था। रिपीटेड तो बच्चों जानते हो, दो बार किसी चीज को करते हैं दोहरान करते हैं, तो विवेकानंदा रिपीटेड इट, विवेकानंद ने इसको दोहराया था। किससे? विद मोर नेशनलिस्ट टिम्बर, विद मोर नेशनलिस्ट टिम्बर का मतलब क्या होता है कि राजा राम मोहन राय ने क्या किया था बच्चों? राजा राम मोहन राय ने इस बात को या इस मुद्दे को दोहराया था। विद मोर नेशनलिस्ट टिम्बर का मतलब यह है, देखो बच्चों, विद द मोर, विद द मोर नेशनलिस्ट, विद द मोर नेशनलिस्ट टिम्बर। अब बच्चों ये सब देखना आप, एक होता टिम्बर, अब दोनों का फर्क आपको समझाता हूं। ये जो नीचे वाला टिम्बर है बच्चों, ये तो इमारती लकड़ी होती है। नीचे जो मैंने टिम्बर लिखा उसका मतलब तो इमारती लकड़ी होता है, लेकिन बोर्ड पे जो मैंने लिखा विद द मोर नेशनलिस्ट टिम्बर का मतलब होता है बच्चों कि विवेकानंद ने इसको क्या किया था, ये शब्द है बच्चों हिंदी में देखो क्या काम ने इसको, इसको हम कहते हैं लहजा या लहजे। तो विवेकानंद ने इसको क्या किया था? अधिक राष्ट्रवादी लहजे में, या ये इनका मीनिंग दे रहा है। विवेकानंद ने इसको अधिक राष्ट्रवादी लहजे में दोहराया था, यानी राजा राम मोहन राय ने क्या किया था कि बच्चों समाज सुधार का ये थीम या ये जो प्रकरण है, इस प्रकरण का उन्होंने क्या किया था? उन्होंने डंका बजाया था। ठीक है, समाज सुधार का ये थीम या ये जो प्रकरण है, इस प्रकरण का उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपने मजबूत समर्थन, अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या अपने पैशनेट एडवोकेसी के साथ में उन्होंने क्या किया था? इसका डंका बजाया था। और विवेकानंद ने इसी थीम को क्या किया था? विद द मोर नेशनलिस्ट टिम्बर माने अधिक राष्ट्रवादी लहजे के साथ उन्होंने इसको दोहराया था। विवेकानंद ने क्या किया था कि विवेकानंद ने अधिक राष्ट्रवादी लहजे के साथ इसको दोहराया था। आगे लिखा बच्चों, व्हेन ही डिक्लेयर्ड दैट, जब उन्होंने ये घोषणा की, समझ गए, जब उन्होंने ये घोषित किया। डिक्लेयर का मतलब बच्चों घोषणा करना होता है, जब उन्होंने ये ऐलान किया। व्हेन ही प्रोक्लेम्ड दैट, जब उन्होंने इस बात को प्रोक्लेम किया कि द हाईएस्ट फॉर्म सर्विस ऑफ द ग्रेट मदर वो सोशल सर्विस। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, द आइडिया वॉज फर्स्ट गिवन बाई राजा राम मोहन राय, ये आइडिया सबसे पहले राजा राम मोहन राय के द्वारा क्या किया गया था? प्रतिपादित किया गया था। और विवेकानंद जो है इसके भाष्यकार बन के आए। ही केम एज एन इंटरप्रीटर ऑफ द थीम, वो इस थीम के या इस प्रकरण के भाष्यकार बन के आए। उन्होंने इस बात को क्या किया? उन्होंने इस बात को बच्चों, इसी मुद्दे को उन्होंने और अधिक राष्ट्रवादी लहजे में दोहराया। और क्या कहा विवेकानंद ने? कहा कि द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विंग गॉड, भगवान को, भगवान की सेवा करने का जो सबसे अच्छा रूप है बच्चों वह क्या है? भगवान या जो ग्रेट मदर, ग्रेट मदर का मतलब बच्चों मातृभूमि है, हमारी मातृभूमि, हमारी जो भारत माता है, उस भारत माता की सबसे अच्छी सेवा का रूप यह है कि आपको सोशल सर्विस कर दी चाहिए। सोशल सर्विस
इसका मतलब होता है बच्चों सामाजिक सेवा, इसका अर्थ होता है प्राणी मात्र की सेवा। जब व्यक्ति प्राणी मात्र की सेवा करता है तो उसके देश या उसके वतन की सेवा स्वतः ही हो जाती है। तो उन्होंने ये कहा कि भारत माता की अगर आपको सबसे श्रेष्ठ सेवा करनी है तो आपको आज से ही ये संकल्प लेना चाहिए कि आप क्या बनेंगे, आप सोशल वर्कर बनेंगे, आप सोशल सर्वेंट बनेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने ये कहा, व्हेन ही डिक्लेयर्ड दैट, उन्होंने इस बात को घोषित किया दैट की द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस ऑफ द ग्रेट मदर, माने जो महान माता है हमारी महामाता अर्थात जो हमारी भारत माता है, उस भारत माता की सेवा का जो सर्वश्रेष्ठ रूप है दैट वो सोशल सर्विस, वो और कुछ नहीं है बच्चों, वो सोशल सर्विस है। सोशल सर्विस का मतलब है समाज की सेवा, सामाजिक सेवा। क्योंकि बच्चों आप जब भारत की सेवा करते हो तो भारत तो एक नक्शा है, नक्शे की सेवा तो कोई करता नहीं है। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जो भारत के वासिंदे हैं, भारत में रहने वाले लोग जो पॉवर्टी एंड नीड माने गरीबी और जरूरत जिस जैसी परेशानियों से पीड़ित हैं, उन लोगों की सेवा में यू शुड कीप योर सेल्फ ऑलवेज रेडी, तुमको अपने आप को सदैव सज्ज रखना चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं, सोशल सर्विस कहते हैं, इसी को समाज की सेवा कहा जाता है। तो देखो बच्चों द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस द ग्रेट मदर वो सोशल सर्विस। अदर ग्रेट इंडियंस चीप ऑफ हु, बच्चों किताब में गलत लिखा हुआ है और इसको आपको शुद्ध करना पड़ेगा। ये शायद मैंने पिछले साल जब आपको पढ़ाया तब भी आपका ध्यान आकर्षित किया होगा मैंने इस बात पे। ये कह रहे हैं कि अदर सोशल रिफॉर्मर्स का मतलब अन्य समाज सुधारक। जब राजा राम मोहन राय का अवतरण हुआ, जब राजा राम मोहन राय का प्रादुर्भाव हुआ, उस वक्त क्या था बच्चों कि समाज सुधारकों का एक दूसरा ग्रुप भी था। तो इसमें बताया गया कि देखना द चीफ, इधर देखो काम की बात समझा रहा हूं, द चीफ ऑफ हु, और बच्चों ये जो दूसरा दल था इसका चीफ कौन था जरा बताना, इसके चीफ महात्मा गांधी थे। एक दल था जिसके चीफ तो राजा राम मोहन राय थे और जो दूसरा वाला ग्रुप था उसके चीफ कौन थे, उसके चीफ महात्मा गांधी थे। तो देखो द चीफ ऑफ हु ऐसा लिखा हुआ आपकी किताब में। अब बच्चों आप बताओ मुझे ऑफ क्या है, एक प्रीपोजिशन है ना, और प्रीपोजिशन के बाद बच्चों कभी सब्जेक्ट नहीं आता बल्कि ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको WHOM होम करना पड़ेगा। दिस इज द करेक्शन दैट यू ऑल आर एक्सपेक्टेड टू डू, आप सबको ये वाला करेक्शन करना है जो मैंने बताया है। हमेशा इस बात को याद रखो बच्चों, कोई प्रीपोजिशन है, जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि शी लॉफ्ड एट आई, शी लॉफ्ड एट आई का मतलब उसने मेरी मजाक उड़ाई, तो बच्चों ये एट एक प्रीपोजिशन है, इसलिए आई को काट के आपको मी करना पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट ए प्रीपोजिशन शेल ऑलवेज बी फॉलोड बाई द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ए प्रोनाउन ऑफ ए पर्सनल प्रोनाउन। कोई जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए आपको हमेशा, किसके बाद, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद। तो द अदर ग्रुप यानी जो दूसरा समुदाय था, ठीक है, अदर ग्रेट इंडियंस यानी अन्य महान भारतीय, चीफ ऑफ हु, तो यह आपको करना पड़ेगा द चीफ, चीफ की जगह द करो, द चीफ ऑफ होम वोज महात्मा गांधी, जिनके चीफ या जिनके सरदार या जिनके नेता या जिनके पाइनियर कौन थे, ही वोज महात्मा गांधी, द पाइनियर ऑफ होम और द लीडर ऑफ होम वोज महात्मा गांधी, डेवलप्ड द थीम ऑफ सोशल सर्विस, उन्होंने इस समाज सेवा का जो मुद्दा है इस मुद्दे का विकास किया। किस रूप में किया, उन्होंने समाज सुधार के मुद्दे का विकास, उन्होंने समाज सुधार के मुद्दे का विकास किस रूप में किया, उन्होंने ये कहा कि ऑफ सोशल सर्विस एज ए रिलीजियस ड्यूटी, उन्होंने ये कहा कि समाज सुधार जो है ना, समाज की सेवा करना, ये आपकी रिलीजियस ड्यूटी है। उन्होंने ये कहा कि सोशल सर्विस इज अवर रिलीजियस ड्यूटी, यानी समाज की सेवा करना हमारा धार्मिक कर्तव्य है। कैसा कर्तव्य है, समाज की सेवा करना हमारा धार्मिक कर्तव्य है। एंड द डेवलपमेंट कंटिन्यूज अंडर गांधी सक्सेसर्स, और बच्चों क्या हुआ, एंड द डेवलपमेंट कंटिन्यूज, और बच्चों आप जानते हो गांधी जी तो नहीं है, लेकिन गांधी जी नहीं है तो क्या हुआ, उनके द्वारा दिए हुए आदर्श आज भी इस देश के अंदर जिंदा है। आपको पता है बच्चों गिरिजा कुमार माथुर की एक कविता है, पहरू ये सावधान रहना, आज विजय की रात पहरू ये सावधान रहना, खुले देश के द्वार दीपक समान अचल दीपक समान रहना। उसमें एक पंक्ति उन्होंने ये कही है कि शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है, और शत्रु हट गया परंतु उसकी छायाओं का डर है। इसका मतलब यह हुआ कि अंग्रेज तो चले गए, हमारा शत्रु हमको छोड़ करके चला गया, लेकिन उसकी छायाएं आज भी इस देश के अंदर बरकरार है, उसकी छाया आज भी इस देश के अंदर कायम है। इन द सेम वे महात्मा गांधी आज नहीं है तो क्या हुआ, उनके विचार उनके उपदेश आज भी हमारे साथ हैं।
महान कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन उन्होंने अपने श्री मुख से जो गीता का उपदेश दिया था उस रूप के अंदर वो आज भी जीवित हैं, उस रूप में हम आज भी उनको महसूस करते हैं, उनको अनुभव करते हैं और उनके आदर्शों उनके उनके जो आदर्श हैं उनका हम पालन करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र अगर इस संसार में नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन उन्होंने जो रास्ता हमें बताया, उन्होंने जो गाइड हमको किया, वो रास्ता आज भी जीवित है। मैंने कहा राही मर लेकिन राह अमर, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों राही मरते हैं, राहें कभी नहीं मरती है, संसार अपनी जगह है, हम आए चले गए, फिर न जाने कितने शायर आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन ये संसार जैसा है ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो यहां ये बताया गया है कि महात्मा अन्य द अदर ग्रेट इंडियंस माने दूसरे महान भारतीय, द चीफ ऑफ होम वॉज महात्मा गांधी, जिनके चीफ या जिनके मुखिया कौन थे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होम वॉज महात्मा गांधी, जिनके प्रतिनिधि महात्मा गांधी थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बच्चों ये कहा कि सोशल सर्विस इज नथिंग बट इट्स अ रिलीजियस ड्यूटी, सोशल सर्विस और कुछ नहीं है, एक तरह की समाज सेवा है। और बच्चों क्या हुआ, उनके द्वारा जो दिए हुए आदर्श हैं दे कंटिन्यू, उनके आदर्श जो आज भी जारी है इन द फॉर्म ऑफ देयर सक्सेसर्स, अर्थात उनके जो सक्सेसर हैं, उनके जो उत्तराधिकारी हैं, उनके जो परवर्ती लोग हैं, उनके रूप में महात्मा गांधी के द्वारा दिया हुआ जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट आज भी जो है जिंदा है। महात्मा गांधी वॉज लुक्ड ऑन, महात्मा गांधी को माना गया था बाय मेनी बोथ इंडियन एंड यूरोपियन एज द एपिटोम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन। महात्मा गांधी को बच्चों माना गया था बहुत सारे लोगों के द्वारा जिनमें इंडियन और यूरोपियन दोनों शामिल थे, और उनको क्या माना गया था, ही वाज सपोज्ड टू बी द सिंबल ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, अर्थात उनको हिंदू परंपरा का एपिटोम माना गया था, उनको हिंदू परंपरा का सिंबल माना गया था, उनको हिंदू परंपरा का प्रतीक माना गया था। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। तो बच्चों अधूरी बात को पूरा करते हैं। महात्मा गांधी वॉज लुक्ड ऑन, बच्चों लुक्ड ऑन को अंडरलाइन कर लो और यहां पर लिखो महात्मा गांधी वॉज सपोज्ड। आप इस शब्द को रिप्लेस कर सकते हो, महात्मा गांधी वॉज सपोज्ड, महात्मा गांधी वॉज कंसिडर्ड, महात्मा गांधी को क्या माना गया था बाय मेनी, महात्मा गांधी को अनेक लोगों के द्वारा माना गया था जिनमें कौन शामिल थे, बहुत इंडियन एंड यूरोपियन, जिनके अंदर बहुत इंडियन एंड यूरोपियन अर्थात बहुत सारे भारतीयों और बहुत सारे यूरोप वासियों के द्वारा महात्मा गांधी को क्या माना गया था, एज माने होता है के रूप में, एज द एपिटोम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, अर्थात उनको हिंदू ट्रेडिशन के एपिटोम के रूप में या हिंदू परंपरा का जो प्रतीक है निशान है उसके रूप में हम महात्मा गांधी को देखते थे। बट दिस इज अ फॉल्स जजमेंट। लेकिन बच्चों ये क्या था, दिस इज अ फॉल्स जजमेंट का मतलब बच्चों दिस इज अ फॉल्स जजमेंट, समझ गए, ये एक क्या था बच्चों, झूठा निर्णय था, ये एक झूठा डिसीजन है, ये एक बच्चों झूठा वर्डिक्ट है, ठीक है, इन सबका मतलब फैसला होता है, बट दिस इज अ फॉल्स जजमेंट, परंतु ये क्या है, ये बच्चों एक झूठा फैसला है। उसी तरीके से आप कह सकते हो कि एक प्रकार का झूठा डिसीजन है, फॉल्स डिसीजन या वर्डिक्ट, न्यायाधीश जो फैसला देता है उसको हम वर्डिक्ट कहते हैं। तो ये गलत बात है बच्चों, ये कहना गलत होगा कि महात्मा गांधी हिंदू परंपरा के प्रतीक हैं या प्रतीक थे, महात्मा गांधी वॉज द एपिटोम और महात्मा गांधी वॉज द सिंबल ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, अगर आप ऐसा कहते हैं तो ये कहना क्या होगा, ये कहना गलत होगा। ये कहना गलत क्यों होगा बच्चों, ये कहना इसलिए गलत होगा बट दिस इज अ फॉल्स जजमेंट फॉर ही वॉज मच इन्फ्लुएंस बाई वेस्टर्न आइडियाज। हमारा राइटर ये कहता है कि नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है कि महात्मा गांधी हिंदू ट्रेडिशन के एपिटोम थे, क्यों, इसलिए बच्चों ये देखो जरा, हिंदू ट्रेडिशन का मतलब होता है हिंदू परंपरा, हिंदू जगेगा राष्ट्र जगेगा,
ठीक है, तो हिंदू जगेगा तब पूरी दुनिया जगेगी, तो हम ऐसा मानते हैं। पर बात दरअसल यह है कि जो हिंदू परंपरा है उस हिंदू परंपरा का एपिटॉम महात्मा गांधी को नहीं माना जा सकता है। क्यों? बिकॉज जरा देखना बच्चों, ये शब्द आ रहा फोर, इस फोर का मतलब आपने आज तक यही पढ़ा होगा के लिए, लेकिन नहीं, हम कह रहे हैं कि इस सेंटेंस में इसका मतलब होता है बच्चों बिकॉज। बिकॉज कभी कभी ये क्योंकि का अर्थ भी देता है। बिकॉज महात्मा गांधी को आप भारतीय परंपरा का प्रतीक कैसे कह सकते हो? महात्मा गांधी को आप हिंदू परंपरा का प्रतीक कैसे कह सकते हो? महात्मा गांधी वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड, क्योंकि महात्मा गांधी वॉज मच अफेक्टेड। क्या कहा मैंने? महात्मा गांधी के ऊपर, उनके व्यक्तित्व के ऊपर किसका प्रभाव ज्यादा था? महात्मा गांधी वॉज वेरी मच अफेक्टेड और वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाई वेस्टर्न कल्चर। अरे भाई आप बताइए कि महात्मा गांधी जो थे उनका व्यक्तित्व बहुत अधिक पाश्चात्य संस्कृति या जो पाश्चात्य तहजीब है उसके द्वारा प्रभावित था। महात्मा गांधी का ये जो व्यक्तित्व बना, ये कैसे बना? वो विदेश में पढ़ने गए, ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर फर्दर स्टडीज, आगामी अध्ययन के लिए वो इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में जब उन्होंने देखा कि जब हमारा देश विकसित नहीं था, जब हमारे देश में औद्योगिक क्रांति का आगाज नहीं हुआ था, जब हमारे देश में पुनर्जागरण और नवजागरण जैसे आंदोलन शुरू नहीं हुए थे, उस वक्त वो कहां गए? उस वक्त बच्चों जब वो विदेश में गए तो उन्होंने देखा कि अंग्रेजों ने हमसे कितना ज्यादा विकास कर लिया है। तो जाहिर सी बात है बच्चों कि जो व्यक्ति जिस सोहबत में रहता है, जो व्यक्ति जिस संगत में रहता है, उसको क्या है, उसी वतन या उसी देश का असर उसके व्यक्तित्व के ऊपर पड़ता है। काजर की कोटरी में केसो हूं सियानु जाए, काजर की लीक एक लागी है पे लागी है। इसका मतलब काजल की कोठरी में चाहे कोई कितना ही चालाक आदमी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी छाप थोड़ा काजल तो लगी जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बच्चों जैसे लोगों की सोहबत में आप रहते हैं, तो सोहबत में रहने से क्या होता है? सोहबत में रहने से यह होता है, उसकी संगत में रहने से यह होता है कि संगत से अगर रंग नहीं तो वर्ण जरूर आ जाता है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में ज्यादातर समय अंग्रेजों की संगत की, अंग्रेजों के साथ रहे। तो इनका ऐसा मानना है कि महात्मा गांधी का जो व्यक्तित्व था उसमें जो निखार आया था, द पर्सनैलिटी ऑफ महात्मा गांधी वॉज रिफाइंड नॉट बाई इंडियन और हिंदू कल्चर बट इट वॉज रिफाइंड बाई वेस्टर्न कल्चर। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व में जो निखार आया था वह निखार बच्चों भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विचारों के परिणाम स्वरूप नहीं आया था, बल्कि ऐसा कब हुआ था? जब वो विदेश गए तो वहां से वो प्रभावित होकर के लौटे। इसलिए ये सच है कि महात्मा गांधी का जन्म तो भारत में हुआ था, लेकिन महात्मा गांधी के जो संस्कार या उनकी पर्सनैलिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं दैट वर डेवलप्ड, वो विकसित हुए थे कहां पर? दैट वर डेवलप्ड इन इंग्लैंड। वो बच्चों वो इंग्लैंड में प्रवान चढ़े थे। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि महात्मा गांधी हिंदू परंपरा के प्रतीक थे। बिकॉज ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड, बिकॉज ही वॉज मच अफेक्टेड, बिकॉज ही वॉज मच अफेक्टेड बाई वेस्टर्न कल्चर, क्योंकि जो वेस्टर्न कल्चर है बच्चों उसके द्वारा वो ज्यादा प्रभावित हुई थी। क्लियर बच्चों? अफेक्टेड बोला मैंने, इफेक्टेड नहीं बोला। इफेक्ट एक नाउन होता है जिसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं होती, लेकिन अफेक्ट ही होती है। आइए देखना। ओके, गांधी जी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल ऑफ हिज एंशियंट कल्चर। गांधी जी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल्स ऑफ हिज एंशियंट कल्चर। यह भी बताया गया है बच्चों कि महात्मा गांधी विश्वास करते थे। किसमें विश्वास करते थे? महात्मा गांधी बिलीव्ड इन द बेसिक्स, महात्मा गांधी बिलीव्ड इन द बेसिक्स ऑफ हिज एंशियंट कल्चर। महात्मा गांधी जो है वो, महात्मा गांधी हमारे देश की जो एंशियंट कल्चर है, जानते हो ना, ये है एंशियंट बच्चों और ये है कल्चर। तो आप जानते हो ये एक नाउन है और ये इसका एडजेक्टिव है। यानी महात्मा गांधी अपने देश की जो प्राचीन संस्कृति है, उस प्राचीन संस्कृति के जो बेसिक्स हैं, देखो क्या शब्द बोला मैंने, उस संस्कृति के जो बेसिक्स हैं अर्थात उसके जो मूल संप्रत्यय हैं, मूल संप्रत्यय यानी हमारे देश की संस्कृति के मूल संप्रत्ययों में महात्मा गांधी विश्वास करते थे। महात्मा गांधी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल्स ऑफ हिज एंशियंट कल्चर। यानी महात्मा गांधी क्या है कि अपने देश की जो एंशियंट कल्चर या जो प्राचीन संस्कृति है उसकी जड़ों में या उसके आधारभूत मूल्यों में, ठीक है, उसके जो आधारभूत मूल्य उसके जो बेसिक्स हैं उनमें विश्वास करते थे। बट हिज पैशनेट लव ऑफ द अंडरडॉग एंड हिज एंटीपैथी टू कास्ट, है ना, दो नॉट अनप्रेसिडेंटेड इन एंशियंट इंडिया। अब बच्चों ये कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जो थे ये तो सच है
कि वो अपना जो एंशियंट कल्चर है उसके बेसिक्स या उसके जो फंडामेंटल्स या उसके जो आधारभूत मूल तत्व हैं या उसके जो मूल संप्रत्यय हैं, महात्मा गांधी उनमें विश्वास करते थे। लेकिन ये तो बच्चों अपनी संस्कृति में विश्वास तो हम सब करते हैं, लेकिन महात्मा गांधी की ये पहचान नहीं है। दिस इज नॉट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को इसलिए नहीं जाना जाता है कि वो अपने देश की प्राचीन संस्कृति में या अपने देश की संस्कृति के अपने देश की प्राचीन संस्कृति के मूल संप्रत्ययों में विश्वास करते थे, इसलिए महात्मा गांधी की पहचान नहीं है। बल्कि महात्मा गांधी की पहचान इसलिए है कि जो अंडरडॉग हैं, देखो अंडरडॉग का मतलब होता है बच्चों, जरा देखना शब्द क्या है इसका अर्थ होता है, डाउन ट्रोडन, ये डाउन और ये हो गया ट्रोडन, इसका मतलब होता है दलित वर्ग के जो लोग हैं उनके उत्थान में महात्मा गांधी विश्वास करते थे। महात्मा गांधी की पहचान यह है कि महात्मा गांधी ने सबको यह कहा कि हमको क्या करना चाहिए, हमको वी शुड ट्राई अवर बेस्ट टू डेवलप और टू अपलिफ्ट द अंडरडॉग्स, द डाउनट्रोडन्स, यानी जो दलित लोग हैं, जो अंडरडॉग लोग हैं, उन लोगों का उत्थान, उनका अपलिफ्टमेंट हमको करना चाहिए। यह विचार किसका था? यह महात्मा गांधी का था। और बच्चों एक बात और है कि महात्मा गांधी जो विमेन एम्पावरमेंट है, जरा देखना, विमेन एम्पावरमेंट यानी नारी या महिला सशक्तिकरण। महात्मा गांधी की दो खास बातें हैं बच्चों। महात्मा गांधी की एक खास बात तो यह है कि वो जो अंडरडॉग या जो डाउनट्रोडन अर्थात जो दलित वर्ग के लोग हैं उनको उनके उत्थान की बात करते थे, और दूसरी बात यह है कि महात्मा गांधी जो विमेन एम्पावरमेंट का मतलब महिला सशक्तिकरण का भी उन्होंने समर्थन किया था। महात्मा गांधी आल्सो सपोर्टेड विमेन एम्पावरमेंट। महात्मा गांधी ने विमेन एम्पावरमेंट को भी सपोर्ट किया। अब बात मुझे ये बताओ कि ये जो दो विचार जिनके लिए महात्मा गांधी की पहचान बनी है, ये दो विचार जिनके लिए महात्मा गांधी हिट हो गए थे, सुपर हिट, तो मुझे बताओ ये दो विचार कहां से मिले? रामायण से मिले कि गीता से मिले कि बाइबल से मिले? मैं तो कहूंगा कि रामायण और गीता से भी मिले होंगे, लेकिन ये लेखक महोदय ये कह रहे हैं कि नहीं, ये विचार उनको बाइबल से मिले हैं, अर्थात ये जो विचार हैं ये भारत की जो ग्रंथ, भारत की सभ्यता और संस्कृति के मौलिक विचार नहीं है, बल्कि ये तो विदेशी विचार हैं और महात्मा गांधी इन विचारों को वहां से ग्रहण करके आए थे, ऐसा इनका मानना है। जबकि हम ऐसा मानते हैं कि ऐसी कोई बात बाइबल में नहीं लिखी हुई होगी जो कि हमारी गीता में नहीं है, या जो कि हमारी रामायण में नहीं है, या कि जो कि हमारे वेदों में या पुराणों में नहीं है, सब कुछ तो इधर भरा पड़ा है। लेकिन लेखक का ऐसा मानना है कि गांधी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल्स, गांधी जी विश्वास करते थे आधारभूत मूल्यों में, हॉबीज एंशियंट कल्चर, यानी गांधी जी अपनी प्राचीन संस्कृति के आधारभूत मूल्य में विश्वास करते थे, बट इज पेशनेट लव, परंतु उनका जो दीवाना वार प्यार, परंतु दीवानों की तरह वो जो प्यार करते थे, दीवानों की तरह जिस चीज से वो प्यार करते थे वो क्या था? दैट वॉज ऑफ द अंडरडॉग, यानी फॉर द अंडरडॉग, यानी दलितों के प्रति उनके मन में जो तीव्र प्यार की भावना थी, एंड इज एंटीपैथी टू कास्ट, और हिज एंटीपैथी टू कास्ट का मतलब जाति प्रथा से वो नफरत करते थे। एंटीपैथी का मतलब ही वॉज इनडिफरेंट टू कास्ट सिस्टम, अर्थात जाति प्रथा के प्रति वे उदासीन थे, जाति प्रथा के प्रति वे उदासीन थे। दो नॉट अनप्रिसीडेंटेड इन एंशियंट इंडिया, हालांकि ये बात प्राचीन भारत के अंदर अभूतपूर्व नहीं है। अभूतपूर्व का मतलब ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आकर के हमको कहा कि नहीं साहब, जाति की बात में विश्वास नहीं करना चाहिए। ये बातें तो बहुत पहले बहुतों ने कही है, जात ने पूछो संतन की पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का अपड़ा रहन दो म्यान, ये बात तो बहुत पहले हम जानते थे। तो दो नॉट अनप्रेसिडेंटेड, हालांकि ये बात भारतीय संस्कृति में अभूतपूर्व नहीं है, इसका मतलब ये पहली बार ही ऐसा नहीं हुआ कि महात्मा गांधी आए तभी हम जान पाए कि साहब जाति प्रथा बुरी बात है। ऐसा भी नहीं है कि महात्मा गांधी जब आए तभी हम जान पाए कि महिलाओं का उत्थान करना चाहिए। हम तो बहुत पहले से जानते आ रहे हैं कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो महात्मा गांधी का जब जन्म नहीं हुआ था उससे पहले, उनके पूर्वजों का भी जन्म नहीं हुआ होगा उससे पहले, ये विचार हमारे सामने था। ये भी कहा गया है कि ये जो क्या बोलते हैं, ये भी कहा गया है कि जो समझ गए अंडरडॉग अनप्रेसिडेंटेड इन इंडिया। अब आइए देखो बच्चों, इन एंशियंट इंडिया वर अनऑर्थोडॉक्स, यानी वर अनऑर्थोडॉक्स का मतलब ये सब गैर रूढ़िवादी थे, इन द एक्सट्रीम का मतलब होता है एक्सट्रीमली, इसका मतलब वर अनऑर्थोडॉक्स एक्सट्रीमली, अर्थात ये सब चीजें गैर रूढ़िवादी बातें थी, अत्यंत या बहुत ज्यादा। एंड ओड मोर टू यूरोपियन 19th सेंचुरी लिबरलिज्म, ये कहा जा रहा है कि हालांकि इससे पहले भी विचार थोड़े थोड़े थे, लेकिन इन सब बातों का जो क्रेडिट है, इन सब बातों का जो श्रेय है, वो किनको जाता है? वो अंग्रेजों को जाता है। ये विचार जो है बहुत ही प्रबलता के साथ में वो लेकर के आए। एंड ओड मोर का मतलब होता है एंड दीज आइडियाज वर गेंड मोर, अर्थात ये जो आइडिया थे ये हमको प्राप्त हुए टू मनी फ्रॉम
यूरोपियन 19th सेंचुरी अर्थात 19वीं शताब्दी के यूरोप के लिबरलिज्म यानी 19वीं शताब्दी के अंदर यूरोप के अंदर जो उदारवाद नाम का जो आंदोलन आया, लिबरलिज्म का मतलब 19वीं शताब्दी के अंदर इंग्लैंड के अंदर या यूरोप के अंदर जो उदारवाद नाम का आंदोलन आया, उस आंदोलन से इन बातों को ज्यादा प्राप्त किया गया है। टू एनीथिंग मनी, टू एनीथिंग इंडियन, अर्थात टू एनीथिंग इंडियन का मतलब होता है किसी भी जो है भारत की, कोई भी जो भारत की का की प्रेरणा का स्रोत है, कोई भी जो भारत का प्रेरक ग्रंथ है, उन ग्रंथों के बजाय या भारत की किसी भी परंपरा के बजाय इन चीजों को जो है 19वीं शताब्दी के अंदर यूरोप के अंदर जो पनपा हुआ जो आंदोलन था जिसको हम उदारवाद कहते हैं, वहां से ये विचार जो है हमारे अंदर आए। हिज फेथ इन नॉन वायलेंस वॉज एज वी हैव सीन बाय नो मीन्स टिपिकल ऑफ हिंदुइज्म्स प्रेडिसेसर्स। हाँ तो बच्चों देखो इसमें लिखा हुआ जी, हिज फेथ इन नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी किसमें विश्वास करते थे? महात्मा गांधी बच्चों नॉन वायलेंस के अंदर विश्वास करते थे, यानी महात्मा गांधी अहिंसा में विश्वास करते थे। तो महात्मा गांधी हिंसा की तो भर्त्सना या निंदा करते थे और जो अहिंसा है उसकी एडवोकेसी या उसकी वकालत करते थे। तो महात्मा गांधी के अंदर ये विचार आए कहां से? कौन सा साहित्य उन्होंने पढ़ा? कैसे लोगों की वो संगत में रहे कि उनके अंदर ये विचार आया नॉन वायलेंस? ठीक है, वायलेंस का मतलब, नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? अहिंसा। तो महात्मा गांधी का जो अहिंसा में फेथ था, फेथ का मतलब क्या होता है? विश्वास, बिलीफ। तो द फेथ ऑफ महात्मा गांधी इन नॉन वायलेंस, यानी नॉन वायलेंस के अंदर महात्मा गांधी का जो विश्वास था, एज वी हैव सीन, जैसा कि हम देख चुके हैं, बाय नो मीन्स टिपिकल, यानी किसी भी तरह, बाय नो मीन्स टिपिकल ऑफ हिंदुइज्म, अर्थात ये किसी भी तरह हिंदुवाद का विशेष गुण नहीं था महात्मा गांधी के अंदर। देखो ये कहना चाहते हैं कि महात्मा गांधी में जो अहिंसा के प्रति जो उनका प्यार था, अहिंसा के प्रति जो उनका विश्वास था, ये गुण जो है उनके अंदर कहीं भी जो है हमारा जो हिंदुवाद है या हिंदुत्व है उससे ये विचार नहीं आया, बल्कि ये विचार उनके व्यक्तित्व में कहां से आया? ये विचार उनके व्यक्तित्व में जो है वहां से आया। कहां से? ये जो लिबरलिज्म नाम का जो आंदोलन चला, उदारवाद नाम का आंदोलन, वहां से इन्होंने ये विचार ग्रहण किए हैं। एज वी हैव सीन, जैसा कि हम देख चुके हैं, बाय नो मीन्स टिपिकल ऑफ हिंदुइजम्स, हिंदुइज्म अर्थात ये किसी भी तरह से हिंदुवाद का विशेष गुण नहीं था, है ना, नहीं था। प्रेडेसेसर्स इन रिवॉल्ट, और बच्चों ये बताया गया कि उनके जो पूर्ववर्ती थे, उनके जो पूर्ववर्ती थे, है ना, प्रेडेसेसर्स इन रिवॉल्ट यानी आंदोलन, उसमें विद्रोहों में, द एबल मराठा ब्राह्मण बीजी तिलक, यह बताया गया है कि इनसे पहले जो मराठा ब्राह्मण थे जिनका नाम क्या था? बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कहा था, क्या कहा था उन्होंने? ये कहा था कि स्वराज्य इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वराज्य इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो बच्चों ये बताया गया कि हिज, देखो हिंदुइज्म और इसके आइए बच्चों हिज इसी में जुड़ा हुआ है तो इसको थोड़ा अलग करें, हिज प्रेडेसेसर यानी महात्मा गांधी के जो पूर्ववर्ती थे इन रिवॉल्ट, इन रिवॉल्ट का मतलब बच्चों, रिवॉल्ट का मतलब होता है विद्रोह, तो विद्रोही स्वभाव के या विद्रोह में इनके जो पूर्ववर्ती थे उनका नाम क्या था? द एबल, एबल का मतलब समर्थ, यानी समर्थ मराठा ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक एंड गांधी इम्पेशेंट लेफ्टिनेंट सुभाष चंद्र बोस, और गांधी जी के अधीर लेफ्टिनेंट, और गांधी जी के उतावले लेफ्टिनेंट जिनको हम सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानते हैं, दे आर फार मोर ऑर्थोडॉक्स इन दिस रिस्पेक्ट, यानी वो इस मामले में, इन दिस रिस्पेक्ट यानी इन दिस रिगार्ड, इस मामले में वो क्या थे? दे आर फार मोर ऑर्थोडॉक्स का मतलब वो इस मामले में, यानी खुद बाल गंगाधर तिलक और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस मामले में महात्मा गांधी से ज्यादा कट्टर थे, महात्मा गांधी से ज्यादा ऑर्थोडॉक्स का मतलब जो है रूढ़िवादी थे। फॉर गांधी पेसिफिज्म, क्योंकि जो गांधी जी की पेसिफिज्म है अर्थात जो गांधी जी की शांति है, उस गांधी जी की शांति के लिए वी मस्ट लुक टू द सर्मन ऑन द माउंट, गांधी जी के अंदर बच्चों ये जो शांति की भावना आई इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी शैल हैव टू एग्जामिन द सर्मन ऑन द माउंट, हमें सर्मन ऑन द माउंट यानी पर्वत के ऊपर दिया गया जो उपदेश है उसकी जांच करनी होगी, एंड टू टॉलस्टॉय, और साथ ही साथ हमको किसे जानना होगा? हमें टॉलस्टॉय का अध्ययन करना होगा। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि टॉलस्टॉय के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए, कहने का मतलब ये भी हुआ कि सर्मन ऑन द माउंटेन जो घटना है, तो बच्चों ये पर्वत पर उपदेश, इसका भी उनके व्यक्तित्व के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा। तो महात्मा गांधी को अच्छे से समझने के लिए हमको सर्मन ऑन द माउंट और इसके अलावा दूसरा क्या बताया है, और टॉलस्टॉय जो है ऐसे ये जो व्यक्तित्व हैं इन व्यक्तित्वों को हमें खंगालना होगा और तभी हम गांधी जी के व्यक्तित्व को ठीक ठीक समझ पाएंगे। तो बच्चों इस क्रम में अपनी आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में। नमस्कार बच्चों।